हेलो प्यारे बच्चे हो बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा एक के विषय गणित के सप्ताह पंद्रह की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है जोड़ और मिलान तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं क्वेश्चन वन है जोड़ें और मिलान करें आपकी सहायता के लिए प्रश्न का मिलान करके दिखाया गया है तो बच्चों के यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है जीरो में एक प्लस करेंगे तो कितना होता है एक ही होता है तो बच्चों यहाँ पर है एक फूल इसके साथ मिलान किया गया है अब बच्चों नेक्स्ट है थ्री में जीरो प्लस करेंगे कितने होते हैं तो थ्री होता है थ्री फूल कहाँ है बच्चों यहाँ है इसके साथ मैच करेंगे नेक्स्ट है जीरो प्लस टू टू को जीरो में प्लस करने पर कितना आता है टू अब बच्चों दो फूल कहाँ पर है यहाँ पर इसके साथ मैच करेंगे नेक्स्ट है फाइव प्लस ज़ीरो तो बच्चों फाइव प्लस जीरो कितने होते हैं फाइव होते हैं अब बच्चों पांच फूल किधर हैं यहाँ पर हैं वन टू थ्री फोर फाइव इसके साथ मैच करेंगे नेक्स्ट है जीरो प्लस फोर जीरो में फोर को प्लस करते हैं तो कितना आता है फोर ही आता है तो बच्चों फोर फूल हैं यहाँ पर इसके साथ मैच करेंगे अब है क्वेश्चन नंबर टू दोनों पासों की बिंदियों का जोड़ दिए गए स्थान पर लिखें तो बच्चों फर्स्ट जो पासा है इसमें तीन बिंदियाँ हैं दूसरे में दो तो टोटल कितनी हो गई वन टू थ्री फोर फाइव तो यहाँ पर फाइव लिखेंगे अब बच्चों नेक्स्ट है फर्स्ट पासे में बिंदियाँ हैं पाँच दूसरे में है तीन तो टोटल कितनी हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहाँ पर एट लिखेंगे नेक्स्ट है बच्चों पहले पासे में कितनी बिंदी है चार दूसरे में है तीन तो टोटल कितनी हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो यहाँ पर सेवन लिखेंगे नेक्स्ट है बच्चों पहले पासे में बिंदी है एक और दूसरे में कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव तो टोटल कितनी हो गई फाइव ये हैं बच्चे और वन ये तो कितनी हो गई सिक्स यहाँ पर लिखेंगे सिक्स नेक्स्ट है बच्चों पहले पासे में बिंदी है छः दूसरे में तीन है तो टोटल तो कितनी हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो यहाँ पर नाइन लिखेंगे नेक्स्ट है बच्चों पहले पासे में कितनी बिंदी है दो और दूसरे में कितनी है छः तो टोटल तो कितनी हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहाँ पर लिखेंगे एट अब बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री प्रत्येक भाग में संख्याओं को जोड़ें गेंदों को गिनें और सही के साथ मिलान करें आपकी सहायता के लिए प्रश्न कै का मिलान करके दिखाया गया है अब बच्चों फर्स्ट है एग्जाम्पल सिक्स और टू कितने होते हैं बच्चों एट होते हैं तो बच्चों यहाँ पर एट बॉल कहाँ हैं तो बच्चों यहाँ पर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसके साथ मिलान किया गया है अब बच्चों ऐसे ही हमें जोड़ना है उसके बाद जोड़कर जितना उसका आंसर आता है उतनी ही बॉल से हमें मिलान करना है तो बच्चों नेक्स्ट है फाइव और फोर को मिलाकर कितने होते हैं नाइन तो बच्चों नाइन बॉल कौन सी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो बच्चों नाइन है इसके साथ मिलान करना है नेक्स्ट है फोर और थ्री कितने होते हैं सेवन अब बच्चों सेवन बॉल कौन सी हैं ये है, है बच्चों सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो इनके साथ मिलान करना है नेक्स्ट है सेवन और थ्री कितने होते हैं टेन होते हैं तो बच्चे टेन बॉल कहाँ पर हैं यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो इसके साथ मिलान करेंगे अब बच्चों ऐसे ही इधर है सिक्स और थ्री कितने होते हैं नाइन तो बच्चों नाइन ये हैं इनके साथ मिलान करना है नेक्स्ट है सेवन और वन कितने होते हैं एट तो बच्चों एट बॉल ये हैं इसके साथ मिलान करेंगे नेक्स्ट है एट और टू कितने होते हैं टेन तो बच्चों टेन बॉल कहाँ है टेन यहाँ पर है ऊपर की तरफ इनके साथ मिलान करेंगे नेक्स्ट है टू प्लस फाइव तो कितने होते हैं सेवन तो बच्चों सेवन बॉल यहाँ पर हैं इसके साथ मिलान करेंगे अब है क्वेश्चन नंबर फोर खाली स्थान भरो एक आपकी सहायता के लिए करके दिखाया गया है जैसे कि बच्चे यहाँ पर नाइन आंसर है अब हमें ऐसी दो संख्याओं को लिखना है जिनका योग जो है नाइन हो इट मीन्स दोनों को जोड़कर नाइन आए तो बच्चों आप कोई सी भी लिख सकते हैं जैसे कि फाइव और फोर प्लस करते हैं तो कितना आता है नाइन तो बच्चों आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एट और वन कितने होते हैं नाइन तो बच्चों नेक्स्ट है सिक्स तो सिक्स का बच्चों यहाँ पर कोई भी दो संख्या लिख सकते हैं जैसे कि टू प्लस फोर कितने होते हैं सिक्स नेक्स्ट है एट फोर प्लस फोर एट सेवन प्लस वन भी एट ही होते हैं फाइव प्लस थ्री भी एट ही होते हैं तो आप कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं नेक्स्ट है सेवन फोर प्लस थ्री सेवन नेक्स्ट है फाइव टू प्लस थ्री कितने होते हैं फाइव नेक्स्ट फोर टू प्लस टू फोर होते हैं अब बच्चों जीवन कौशल हानि किसी वस्तु को खरीदी गई कीमत से कम कीमत में बेचने पर हमें हानि होती है कमल ने दस रुपये के नींबू खरीद कर सात रुपये में बेचे बताओ कमल को लाभ हुआ या हानि सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे उसने दस रुपए के खरीदे और सात के बेच दिए तो हम दस में से सात को माइनस करेंगे इट मींस दस में से सात माइनस करें तीन बचे तो इट उसने तीन रुपए की हानि से नींबू को बेच दिया तो उसे हानि हुई तो यहाँ पर हानि के आगे निशान लगाएंगे संस्कार साला छोटी छोटी पर बड़ी बातें अच्छा काम करते रहो कोई सम्मान करे या ना करे सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं खाद्य रंग है हरा हरे रंग का खाद्य पदार्थ खाएं उदाहरण के लिए अमरूद ककड़ी पालक बीन्स भिंडी आदि परिवार के साथ समय खेल है सांप और सीढ़ी अंताक्षरी अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें गतिविधि है रस्सी कूदना अवय बच्चों दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें प्रतिदिन स्नान करें खूब पानी पिएँ और संतुलित आहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू